नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और रिनपास में कई ऐसी परेशानियां हैं जिसको लेकर के आज स्वास्थ्य मंत्री ने कई यहां के जो अधिकारी हैं उन लोगों से बातचीत की है। और साथ ही साथ यहां पर जो छात्रावास जो है उसको लेकर के यहां पर एक परेशानी नज़र आई है, जिसको लेकर के यहां पर क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य मंत्री का, आइए सुनते हैं। पास के लिए हमारे ECS साहब ने भी कहा, हमने भी कहा कि जो भी हमारे यहाँ स्टूडेंट को बेहतर से बेहतर सुविधा चाहिए उस सुविधा को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बल्कि और हम लोग ने उनको फ्री हैंड किया है कि आप अपने तरफ से एक व्यवस्था बना के बताइए कि यहाँ पर क्या क्या आपकी अति आवश्यक आवश्यकताएँ हैं, जिन आवश्यकताओं पर विभाग विचार करे। इनको हमने फ्री हैंड किया है ताकि हम जो है नए इनोवेशन पे काम कर सकें। तो आपने यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सुना, उन्होंने यहाँ पे सीधे तौर पे एक फ्री हैंड यहाँ के अधिकारियों को दिया है कि जो भी परेशानी है और वो सारी चीज़ों का रोड मैप यहाँ पर तैयार किया जाए, क्या कुछ परेशानी है, किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है, क्या कुछ यहाँ पर और किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है। और साथ ही साथ कहा है कि ये अगर सारी मुद्दों को लेकर के हमारे पास आए, हम लोग इन सारे विषयों पर ध्यान रखेंगे और बेहतर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।